लैंथेनाइट, एक्टिनाइट। यहाँ पर 58 to 71 और यहाँ पे 90 to 103, टोटल 14 + 14 के दो सेट होते हैं, टोटल 28 एलिमेंट्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। 58 to 71 जो है ये सिक्स पीरियड है पीरियोडिक टेबल का, और ये सेवन पीरियड है टोटल की। अंदर कलर से देखता हूँ, ये सिक्स पीरियड है और ये सेवन पीरियड। अगर आप ग्रुप्स की बात करेंगे तो यहाँ पे ग्रुप में कोई वेरिएशन ही नहीं, दोनों ही थर्ड वीक को बिलोंग करते, दोनों ही थर्ड वीक को बिलोंग करते। तो अब आपको यहाँ पे कोई बहुत बड़ा टास्क आपके लिए है नहीं। अगर आपको बोल दिया कि 89 एटॉमिक नंबर है एलिमेंट्स का, तो बताइए इसका पीरियड ग्रुप क्या होगा। तो 89 कहाँ पर आएगा, 58 to 71 में आएगा कि 90 to 103 में आएगा? 92 103 में। 89 कहाँ पर आएगा? 90 to 103 के बीच में। 90 to 103 89 90 89 नहीं आएगा, नहीं आएगा सर, ये कहीं नहीं आएगा ये सर, वो डी ब्लॉक में आएगा, डी ब्लॉक में। ये तो हाल है, बताओ मतलब क्या है? 68 ले लेते हैं, अब ये आएगा कहीं कि नहीं आएगा सर? सिक्स पीरियड में लैंथेनाइट सीरीज, इसका पीरियड और ग्रुप क्या हो गया? सी। समझ आया? यस सर, यस सर। इसलिए इसमें कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते नहीं है, नोट कर लीजिए। Done? Yes, sir, done. Yes. इंडेक्स के हिसाब से नेक्स्ट क्या आता है? बताएंगे? देख के बताइए इंडेक्स के हिसाब से क्या आता है? सर स्क्रीनिंग एंड शेल्डिंग इफेक्ट। ये आप कॉपी मत करिएगा,
देखिए जरा ये मैंने क्या लिखा है, मैं रीड कर देता हूँ, आप कॉपी करिए फिर मैं अप्लाई करके बताता हूँ। स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट को अब हम एस ई से लिखने वाले हैं। इट इज डिफाइंड एज द डिक्रीज इन अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन बैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनर्शिया। अब इसका क्या मतलब, क्या लॉजिक है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी। स्क्रीन या शील्ड टर्म इज यूज फॉर इनर्शियल्स। देन है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ई एन सी बोलते हैं इसे। एक्चुअल चार्ज एक्सपीरियंस बाय टेस्ट इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या है मैं बताऊंगा। एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। जेड इफेक्टिव को हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ई एन सी बोलते हैं, जेड एटोमिक नंबर है और सिग्मा स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट। करिए कॉपी। Done. 1 minute, sir. Done, sir. Done, sir. Yes, sir, done. देखिए अब इसका बेसिक रोल क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम ये सब चीजें, और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो आपने 10 तक पढ़ी है बट उसका प्रॉपर आपको एप्लीकेशन नहीं पता है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं मैग्नीशियम का, एटॉमिक नंबर 12 होता है, कॉन्फिगरेशन है ना 282। यस सर, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे शेल्स बना दिया हूं। बाहर वाले शेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन है, अंदर वाले में 8। सबसे अंदर 2 और फिर है नीचे
ठीक है। अब जिस इलेक्ट्रॉन पे हम स्टडी करते हैं उसे हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। हमने हमेशा से क्या पढ़ा होता है, बिकॉज़ दिस इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस, यही समझते हैं हम, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ क्यों स्टेबल है क्योंकि न्यूक्लियस की तरफ ये अट्रैक्टेड है, पॉइंट सही है? यस सर। अब मैं आपसे छोटी सी चीज पूछूंगा कि आप बताओ इन इलेक्ट्रॉन के बीच में आपस में क्या होगा, अट्रैक्शन की रिपल्शन? रिपल्शन, रिपल्शन। इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? रिपल्शन, रिपल्शन। इस इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? रिपल्शन। तो अभी अट्रैक्शन के अलावा तो हमें रिपल्शन फोर्स दिखाई दे रहा है ना। अब पॉइंट ये है कि ये रिपल्शन क्यों हो रहा है, तो हम कहते हैं ये रिपल्शन इस इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है, पर ये इलेक्ट्रॉन कहां पर है? इस शेल में। इस शेल को हम क्या बोलते हैं? स्क्रीन बोलते हैं, शील्ड बोलते हैं। तो जो रिपल्शन डेवलप हुआ या फिर हम ये बोले कि जो अट्रैक्शन कम हुआ वो किसकी वजह से हुआ? बिकॉज ऑफ दिस शेल, इज इट? यस सर, यस सर। तो एक्चुअल अट्रैक्शन था वो कम हो गया बिकॉज ऑफ द शेल्स। तो जितना ज्यादा शेल्स होंगी अट्रैक्शन उतना कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा, कम होगा, बस यही स्क्रीनिंग इफेक्ट। आप जरा पढ़िए स्क्रीनिंग इफेक्ट का डेफिनेशन, आप पढ़ के बताइए मुझे। Decreasing in attraction force between valence electron and nucleus due to presence of inner shells. Clear है बात अभी आपको? Yes sir. Yes sir. Yes sir. अब जब attraction कम हो गया, तो कम हुआ होगा कुछ? What sir? सर आवाज बराबर नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आया बराबर। सर की आवाज बराबर नहीं आ रही। चार्ज भी तो होना चाहिए। तो एक्चुअल चार्ज कितना होगा? अट्रैक्शन कम होने से चार्ज चेंज हो गया, तो जो एक्चुअल चार्ज होगा उसे हम क्या कहें? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और डेफिनेशन क्या है सर? चार्ज की क्या लिखी है आपने? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर सुनाई नहीं दिया आपने क्या बोला। मैं कह रहा हूँ कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया तो चार्ज भी तो चेंज होना। हाँ सर। तो अब जो नया चार्ज होगा वो ही एक्चुअल चार्ज होगा। तो ENC इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का डेफिनेशन पढ़िए। एक्चुअल चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्टेड इलेक्ट्रॉन, टेस्ट इलेक्ट्रॉन। हाँ सर, मतलब हाँ सर। तो अब ये तो क्रिटिकल कह रहे हैं आप। हाँ, मैं ये बोल रहा था ये तो थ्योरेटिकल बात होते हैं, अभी हम कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि कितना अट्रैक्शन कम हुआ। ठीक है, ये फॉर्मूला है Z effective is equal to Z minus sigma. Z effective हमने अभी अभी आपको बताया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को बोलते हैं, Z जो है हम एटॉमिक नंबर को बोलते हैं, और ये सिग्मा जो है इसे स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट बोलते हैं, यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो अब ये सिग्मा कैसे कैलकुलेट होगा? तो स्लॉटर्स रूल है और एस एंड पी ब्लॉक। देखिए ये बना फॉर्मूला, ये स्लॉटर्स ने दिया एस और पी ब्लॉक के लिए निकालना है अगर आपको। तो सिग्मा इज इक्वल टू 0.35 इनटू इलेक्ट्रॉन ऑफ एनएच शेल माइनस वन प्लस 0.85 इनटू इलेक्ट्रॉन ऑफ एन माइनस वन शेल प्लस वन इनटू रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन। फॉर्मूले में क्या लिखा है वो समझ में आ रहा है आपको? मैं कैलकुलेट करूं? यस सर।
अब देखिए मैग्नीशियम के लिए एनएच शेल का मतलब क्या होता है, आउटर मोस्ट। ये अगर एनएच yes, हो गया तो ये क्या हो गया एन माइनस वन, ये क्या हो गया रिमेनिंग। वैल्यूज yes, रखते हैं 0.35 इंटू एनएच शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ये हो गया प्लस 0.85 इंटू एन माइनस वन शेल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8, और रिमेनिंग क्या बचा 2। तो इसका सम करिए तो सिग्मा कितना आएगा, सम करके बताइए मुझे। सर 3.03। बेटा टोटल कितना आ रहा है, सर 3.03 आ रहा है। नहीं बेटा गड़बड़ कर रहे हैं आप कुछ, 9.15 आ रहा है। ये क्या निकला, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, मतलब इतना स्क्रीन काम कर रहा है। तो Z इफेक्टिव कितना हो जाएगा, Z कितना है 12 माइनस 9.15 यानी 2.85। समझ में आया? Yes, sir. अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि ये कैलकुलेशन कैसे किया गया, ये बाद में समझेंगे कि क्यों कर रहे हैं, ठीक है। आपको एक बार केवल कैलकुलेशन करना है, एक बार आप मुझे सारा कैलकुलेशन करके बता दीजिए आपको अगर समझ आ गया है तो, ठीक है। उसके बाद आपको दोबारा कभी कैलकुलेशन नहीं करना। आपको इस समझ आया कैलकुलेशन? यस सर। यस कॉपी करिए फिर मैं बताता हूँ आगे, करिए कॉपी। हो गया वन मिनट सर।
सर एक डाउट था, बोलिए सर, अगर जिंक होता तो उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 28884 आता। बेटा आप टेंशन नहीं लो, हम आपको जिंक अभी करके दिखा देंगे, ठीक है? मैं समझ गया आपका पॉइंट, आप थोड़ा सा टाइम दो, अभी आपको आपको खुद ब खुद आ भी जाएगा और मैं करूंगा अभी जिंक पक्का। ओके सर, ओके सर, मैं इरेज करूं इसे? हाँ सर, यस सर, यस सर। देखिए आपको डाउन द ग्रुप कैलकुलेट करना है, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम 3, 11, 19, 37, 55 एटॉमिक नंबर है। 0.35 इलेक्ट्रॉन ऑफ NHN माइनस 1, 0.85 इलेक्ट्रॉन ऑफ N माइनस 1 शेल, 1 इनटू रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, सम करोगे सिग्मा और Z इफेक्टिव निकालने के लिए। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं सर। अभी क्लियर आ रही है? हाँ सर, कुछ नेटवर्क इशू रहेगा, ठीक है? तो आपको क्या करना है, अलग अलग आप कैलकुलेट करो चलेगा, पर इस टेबल में सारी वैल्यूज आपको रख के बतानी है, समझ आया आपको? हाँ सर। पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, ठीक है? स्टार्ट करिए। ओके सर, स्टार्ट करें।
सर। हाँ बेटा। सर लिथियम में तो सिर्फ टू और वन रहेगा, तो सर एन माइनस वन और एनएथ कौन सा रहेगा? नहीं, आउटर मोस्ट को एनएथ बोलेंगे, उसके बाद वाला एन माइनस वन, रिमेनिंग जीरो। सर कुछ बचेगा ही नहीं ऐसे, तो जीरो ही आएगा रिमेनिंग में। हाँ जीरो आएगा, जीरो आएगा रिमेनिंग में। ओके सर। सर यस बेटा। सर पोटेशियम में चार शेल्स बनते हैं राइट? हाँ। तो सर बाकी लास्ट टू को रिमेनिंग में लेना है? हाँ जी, हाँ जी, जितना बचेगा वो सब रिमेनिंग। ओके सर।
गाइस सॉल्व हुआ? वन मिनट सर, लास्ट वन। यस सर। सर लास्ट वन, लास्ट वाला सर। डन सर, सबका हो गया? यस सर। यस सर। ठीक, अब देखिए सबसे पहले मैं कुछ चीजें आपको एक ट्रेंड बता रहा हूँ जहां पर हम टेक्निकल सॉल्विंग करेंगे। जैसे आपने किया तो आपने बहुत लिख लिख के कैलकुलेट किया होगा, मैं आपको थोड़ा टेक्निकली बताता हूँ कि अगर आपको कम लिख करके भी आंसर मिल जाए तो अच्छी बात है ना। जैसे ये हर हाल में पूरा जीरो आना चाहिए, आया है कि नहीं? Yes sir. Yes sir. नहीं सर, नहीं आया जीरो। कैसे नहीं आया जीरो? सबके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये ns1 है ना, और उसमें से माइनस वन कर दोगे तो जीरो ही रहेगा ना हमेशा। हाँ। अब देखो 0.351 माइनस वन तो जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes sir. Yes sir. है ना, इसके yes, बाद लिख के मैं 0.85 into 2 होगा, बाकी सब में 0.85 into 8 होगा। Yes sir. अब बचा रिमेनिंग। Yes sir. इस रिमेनिंग जीरो। अब देखो मैं विदाउट कॉन्फ़िगरेशन के कर रहा हूँ, आप भी समझ लीजिए कि आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया 9, ये 11 था, तो सोडियम का रिमेनिंग कितना? 2। Guys, clear? Yes, sir. देखिए पोटेशियम में देखिए यहाँ पर 8, यहाँ पे 1, 9, 14 था, तो रिमेनिंग कितना? ठीक, यहाँ पर 9, 37 में से 9 गया, कितना बचा? 26 28 28। इसी तरह ये 55 है, यहाँ 1, यहाँ पर 8, 9, 55 में से 9 गया, कितना बचा? 26। अब देखो मैंने कॉन्फ़िगरेशन नहीं देखा, सब राइट है। टेक्निक समझ आई आपको? सही बात, अभी समझ में, आपकी आवाज बीच में कट रही थी। मैं कह रहा हूँ ये फिक्स है, क्यों फिक्स है? क्यों NS1 है, आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, और उसमें से माइनस वन करोगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। फिर लिथियम में क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन 3 ही है तो 2.1 होता है, तो गया। लेकिन बाकी सबके आउटर मोस्ट शेल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन है, वो किसी भी ग्रुप का हो, उसमें सेकंड आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन फिक्स है, तो ये हमें पता चल गया सब 8 है, 8 ये और 1 यहाँ पे 9, तो रिमेनिंग कैसे पता चलेगा? 8 + 1 = 9, सब्ट्रैक्ट करो तो रिमेनिंग आ जाएगा, कोई भी रिमेनिंग, यहाँ 8, यहाँ 1, 9। फोर्थ वाला कर, 5 में से 9 गया। हाँ सर, फोर्थ वन एक बार बता सकते हैं? मेरा वो रॉन्ग आया। फोर्थ सा सर 37 आरबी। आरबी? हाँ सर। ये 8, ये 1, 9, 37 में से 9 सब्ट्रैक्ट करो रिमेनिंग के लिए, और ऐसे ही सिर्फ इसी ग्रुप के लिए, पूरी पीरियोडिक टेबल में शॉर्टकट चलेगा। इज इट ओके सर? अभी सिग्मा बता दीजिए कितना आ रहा है। ये कितना आया? 34.8 52.8 Yes, सबका मैच किया?
गाइस समझा? यस सर। यस सर। अभी किसी को कोई प्रॉब्लम कैलकुलेशन में? नो सर। नो सर। नो सर। चलो जिसको कॉपी करना है कॉपी करिए, मैं इरेज करूंगा इसको। सर सर यहाँ पे जो फोर्थ वाला है 37 आरबी सर उसके अंदर मेरा नहीं आ रहा है। आपकी आवाज कट रही है, क्या बोल रहे हैं सर? ये जो फोर्थ वाला है 37 आरबी उसके अंदर सर मेरा नहीं आ रहा है। ये कॉन्फ़िगरेशन है देखिए 37 का, ये nth, ये n-1 और ये रिमेनिंग। अभी क्या नहीं आ रहा बताइए सर? उधर 16 आना चाहिए 18 की जगह ना, और लास्ट के 2 प्लस होने चाहिए 1 के यहाँ, उधर के 2 नहीं बेटा, तो सही लिखा है, ऐसे ही लिखा जाता है। आउटर मोस्ट फिक्स होता है, सेकेंड आउटर फिक्स होता है, अंदर बह सकता है, लेकिन ये दोनों फिक्स होते हैं हमेशा। आप सीजियम का भी लिखेंगे तो भी ऐसा ही आएगा। सर 2888 3 होता है 37, ये 37 नहीं हो रहा, सम करो इसका। हाँ सर ये हो रहा है, लेकिन सर 18 क्यों है, मेरे को वो नहीं समझा। बेटा आपको जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाई थी लास्ट टाइम पे तो देखो लिखा था एलिमेंट्स कैसे होते हैं, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 19, तो 18 ये ही पर से आते हैं, नंबर आ ही नहीं सकता है, 14, 15, 16 कभी नहीं आएगा, यही फिक्स है, इसीलिए तो ट्रिक बना दिया मैंने, ये फिक्स है एकदम नंबर। ओके सर, अभी आओ एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। मैं इरेज कर दिया, गाइस कॉपी हो? यस सर। यस सर। मैं इरेज कर रहा हूँ।
ये हो गया आपके लिए अक्रॉस द पीरियड आपको करना है एकदम सेम तरीके से है आपके एटॉमिक नंबर बहुत है तो कैलकुलेशन बहुत छोटा बनेगा 3-4
सर डन। सबका हो गया? वन मिनट सर। सबका हो गया? चलो बताइए, आपको यहाँ पर आपने ऑब्जर्व किया होगा अगर तो एक ट्रेंड मिलेगा। ऐसा है क्या? यस सर। यहाँ पर ऐसा है? यस सर। यस सर। और यहाँ पर ऐसा? यस सर। यस सर। सर आपका वीडियो अटक गया। ये मैच कर रहा है इतना? यस सर। हाँ सर। यस सर। यहाँ पर 1.7 2.05 मैच कर रहा है इसे? यस सर। यस सर। आपने कुछ ऑब्जर्व किया इनके बीच में क्या रिलेशन आ रहा है? 0.35 का डिफरेंस आ रहा है सबके बीच में। और ऐसा क्यों हो रहा है तो वो ट्रेंड देखो यहाँ से पता चल रहा है। अब ये बताइए आगे का।
हो गया? यस सर। इरेज कर रहा हूँ। देखिए अब हम फाइनल ऑप्शन की बात कर रहे हैं फॉर एस एंड टी ब्लॉक। आज हमको कैलकुलेशन नहीं करना होगा, हम इन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस यूज कर लेंगे, अप्लाई कर लेंगे। ट्रेनिंग इफेक्ट जो है जितना दूर शेल्स होते हैं उतना कम होता है, मैक्सिमम एस और मिनिमम फॉर एफ होता है। आपने अभी अभी कैलकुलेट किया, आप मुझे बताइए डाउन द ग्रुप स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो रहा था, कम हो रहा था या ज्यादा हो रहा था? डाउन द ग्रुप स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा 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 होगा बिल्कुल। और अक्रॉस द पीरियड क्या हो रहा था? अक्रॉस द पीरियड क्या हो रहा था? अभी अभी कैलकुलेट किया आपने, चेक करिए ना लिथियम बेरिलियम बोरॉन वाले में सिग्मा क्या हो रहा है अक्रॉस द पीरियड? देखो जेड इफेक्टिव क्या हो रहा था? भाई कांस्टेंट था, कांस्टेंट था 2.2। हाँ, और अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज इंक्रीज सर। तो ये रिजल्ट्स आपको बस याद रखने हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या जेड इफेक्टिव अक्रॉस लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है, डाउन द ग्रुप कांस्टेंट रहता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट डाउन द ग्रुप अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज करता है। कॉपी कर लीजिए, ये फाइनल रिजल्ट्स हैं। Further no calculation for S and P block. Sorry. हो गया? यस। अब देखिए जरा, अगर डी सबशेल के लिए निकालना है केवल सिग्मा में चेंज आता है 0.35 इनटू इलेक्ट्रॉन ऑफ एनएच शेल माइनस वन प्लस। वहां पर हम क्या हो रहा था, सिग्मा को हम तीन पार्ट में स्प्लिट कर रहे थे, आपने देखा। अब की बार स्प्लिटिंग तीन पार्ट्स में नहीं होगी, वन इनटू रिमेनिंग। अभी सिग्मा ये हो जाएगा क्योंकि डी के लिए कम होता है, दिया आएगा। अब इसे हम अप्लाई कर लेते हैं जरा जिंक पर।
जिंक का कॉन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2 ये। गाइस देख रहे हैं आप? यस सर। अब हमसे बोलते हैं फाइंड द जेड इफेक्टिव ऑफ 3d एंड 4s। ठीक है, तो जब आपसे 4s के लिए पूछ रहे हैं तो कौन सा रूल लगेगा? पहले वाला। जब d के लिए पूछ रहे हैं तो अभी वाला। तो पहले आप 4s कैलकुलेट करके बताइए। आपको यहां पे कैलकुलेट करना है तो ये आपका क्या हो गया nth। तो n माइनस वन क्या होगा गाइज? n माइनस वन क्या होगा? 3। बोलिए। 3 सर। ये यहाँ पूरा 3 और ये क्या हो जाएगा? रिमेनिंग। यस सर। तो पहले आप 4s निकाल दीजिए, फिर हम आपको 3d निकाल के बताते हैं। चलिए सर बोलिए। सर इसमें n माइनस वन क्यों फाइंड किया बेटा? किसके लिए? व्हाट सर? आप किसके लिए फाइंड कर रहे हो? जिंक के लिए। अरे जिंक में किसके लिए? 3d के लिए कि 4s के लिए? 4s के लिए। एस है ना ये, तो एस वाला रूल लगाओ। डी वाला क्यों लगाओ? जब आप एस सबशेल यूज करोगे तो रूल्स वही लगेंगे जो हमने पहले पढ़े थे। ये रूल्स तो डी के लिए है ना केवल। ओके सर। सबशेल है, सबशेल एस सबशेल। सर हाँ सर, आंसर 2.95 है बेटा। पता नहीं आंसर, तो मुझे चेक करना पड़ेगा। कर लेना तो सबको, फिर मैं कैलकुलेट कर।
गाइस कॉपी हो गया? यस सर। 4S का आंसर बताइए कितना आ रहा है? सर 1.65। आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये गाइस कैलकुलेशन मैच कर रहा है कि नहीं सर? हाँ सर, इसमें 0.85 क्यों लिया? बेटा आप किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हो? 4S के लिए। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? प्रीवियस वाला फॉर्मूला लगेगा। वही तो मैंने बताया कि 4S के लिए तो S वाला फॉर्मूला लगाइए, D के लिए ये वाला लगाइए। आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, और यहां लिख देता हूं और D सबसे सर 25.75 आएगा। अब एक बार कैलकुलेशन चेक करिए, 25.65 ही आएगा। और इसमें अब हम ये आना चाहिए आंसर। आ रहा है कि नहीं आ रहा? आया सर। यस सर आया। यस सर आया सर। अब 3D के लिए निकालिए, 3D के लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा। निकालिए 3D का। सर 3.65 आ रहा है। रॉन्ग है बेटा। क्या किया? 1.65। आप क्या कर रहे हैं? 3D का निकालना है ना आपको? रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। यस सर। रिकॉर्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? टू लीव का ऑप्शन नहीं आ रहा है। 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है? टेन। रिकॉर्डिंग नहीं आ रहा है सर। रिकॉर्डिंग दिखा रहा था तो भी जैसे कोई इंसान डाउट पूछ रहा तुरंत कैसे बता दे रहे। सर
कैलकुलेशन समझाइए. यस सर. यस सर. इसको डाउट है इस कैलकुलेशन पे. कब आया था? 14 तारीख पापा कितने बजे सुबह आया था कि रात में? सुबह ही आया. एक और कच्ची शहर पे आया था जिसमें शहर पे नहीं कच्ची था. इसे क्लिक कर दबा के रख. गेट हो जाएगा. मैं इरेज कर दूं? ऑन. यस सर. किसी आपसे डिस्टर्बेंस आ रहा है प्लीज म्यूट करिए. सिग्मा की वैल्यू ये 4S के लिए है और ये 3D के लिए, तो ज्यादा किसके लिए है? दो सौ दबाना देखो भाई जिसके यहाँ से डिस्टर्बेंस आ रहा है म्यूट करिए प्लीज. म्यूट करिए. अरे कर क्यों किया तुमने?
ठीक है जरा ध्यान से, एटॉमिक रेडियाई डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल, इस डिस्टेंस को हम एटॉमिक रेडियाई बोलते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में हम डायमीटर के टू टाइम्स को डायमीटर बोलते थे, सॉरी रेडियाई के टू टाइम्स को हम डायमीटर बोलते थे, बट केमिस्ट्री में हम डायमीटर टर्म नहीं बोलते, डायमीटर की जगह पे क्या यूज करते हैं, बॉन्ड लेंथ। तो अगर कहीं पे बॉन्ड लेंथ लिखा है इसका मतलब टू टाइम्स ऑफ रेडियाई। फिर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एटम्स एटॉमिक रेडियाई क्लासिफाइड इनटू कोवेलेंट रेडियाई जिसे हम CVR लिखेंगे, वैन डर वाल रेडियाई जिसे VWR लिखेंगे, मेटालिक रेडियाई MR, आयनिक रेडियाई IR। इन इंडिविजुअल को भी हम डिस्कस करेंगे कॉपी पे। रिलीज करने की कोशिश भी नहीं करता। Done, sir. Okay. Sir, आपने index के अंदर screening effect के बाद effective nuclear charge बोला था, आपने atomic radiation चालू किया। वापस बोलो क्या बोल रहे हो? सर आपने इंडेक्स में स्क्रीनिंग शील्डिंग इफेक्ट के बाद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोला था, आपने एटॉमिक रेडियाई चालू किया। मैंने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं पढ़ाया। पढ़ाया सर। ए भाई क्या कर रहे तुम, इतना सारा कैलकुलेशन किसका किया आपने? सर पढ़ाया आपने EFC। वही तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये भाई कहाँ था इतनी देर से?
ध्यान समझिए इसको. कोवेलेंट रेडियाई इज डिफाइंड एज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव न्यूक्लियाई ऑफ कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल. एक मॉलिक्यूल के अंदर जो दो एटम हैं उनके न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है उसका हाफ इज कॉल्ड रेडियाई. अब ये दोनों सेंटर दिख रहे हैं हमको, दोनों न्यूक्लियस आपस में लिंक करके दिखाया है. दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस और इसका हाफ होता है कोवेलेंट रेडियाई. एक फाइन. अब किसी हेट्रो एटोमिक मॉलिक्यूल के लिए निकालना है. हेट्रो एटोमिक का मतलब क्या होता है? HCl, दो डिफरेंट एटम. HBr, मतलब कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दो अलग अलग एटम्स जुड़े हैं, लाइक AB. इसकी रेडियाई अगर निकालनी है तो DA by 2 plus DB by 2 minus 0.09 डेल्टा X है. DA और DB क्या है? बॉन्ड लेंथ ऑफ A एंड B. DA एंड DB क्या है? बॉन्ड लेंथ ऑफ A एंड B. डेल्टा X है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन A एंड B. तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस पता होगा, बॉन्ड लेंथ पता होगा, वैल्यू रखेंगे आंसर मिल जाएगा. इज इट क्लियर? यस गाइस. सर. यस सर. सर, एक्सक्यूज मी सर, मैं ना कर पा रही सर. वो लास्ट लाइन नहीं दिख रही बराबर. यस सर, लास्ट लाइन नहीं. यस सर. इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी. व्हाट सर? हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी. ओके सर. ठीक है. हटा दूं मैं? हाँ सर. हाँ सर.
देखिए जरा, इट्स डिफाइंड एज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट सक्सेसिव न्यूक्लियाई ऑफ कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल और इनर्ट गैस एटम। मैंने जान करके एडिट किया था कि आपको डिफरेंस पता चले कि क्या क्या चेंजेस होते हैं, वरना आपको एक ही लैंग्वेज दिखाई देगी। ये दो मॉलिक्यूल्स हैं कोवेलेंटली बॉन्डेड, उनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस इज कॉल्ड इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इसका हाफ वैन डर वाल रेडियाई। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज, ये इनर्ट गैस एटम्स के लिए वैलिड है, पॉइंट नंबर वन। दूसरा, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोवेलेंट रेडियाई और वैन डर वाल रेडियाई में कौन सा बड़ा है, विच वन इज लार्जर, बताएंगे विच वन इज लार्जर? बोलिए गाइस, वैंडर वाल बड़ा, और ये अप्रोक्स टू टाइम्स बड़ा होता है, टू टाइम्स। ठीक है, कैरी नोट डाउन। One minute, sir. Done, sir.
देखो जरा मेटालिक रेडियाई डिफाइन हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव न्यूक्लियर मेटालिक एटम इन अ क्लोज लैटिस। ये मैटर एटम्स का अरेंजमेंट है, इनके दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बोलते हैं, इसके आधे को हम मेटालिक रेडियाई बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड क्रिस्टल रेडियाई, फॉर्मूला सेम। सर वो हो गया, क्लोज पैकेट के बाद क्या लिखा है सर? L A W T I C E, lattice, lattice। क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को बोलते हैं लैटिस। Answer. आयनिक रेडियाई क्या होती है? इट्स डिफाइंड एज इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट इन एन आयन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ आयनिक बॉन्ड। यानी किसी आयनिक कंपाउंड में जो आयन है उस न्यूक्लियस या आउटर मोस्ट की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? आयनिक रेडियाई। तो इसके अगर हमें मॉलिक्यूल की रेडियाई निकालनी है तो रेडियाई इक्वल टू क्या होगा? आर सी, सी मतलब कैटायन और ए स्टैंड्स फॉर एनायन। हो गया? वन मिनट सर। यस सर। आप
हमने अभी तक जो भी किया है वो इंट्रोडक्टरी पार्ट है। अब इस पर क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, कैसे रेडियाई पूछी जाएगी, है ना, वो सब कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसको कॉपी करने के बाद रेस्ट ऑन नेक्स्ट। यस सर। ठीक है, ओके गाइस, बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। अभी आज किस